धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से बटन दबाकर हुकुम चंद मिल के मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। इसी क्रम में इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में देश के गरीब पिछड़ों व श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगभग 3 दशकों से लंबित हुकुमचंद मिल प्रकरण का निराकरण करवाया है, जिससे लगभग 5,000 मजदूरों और उनके परिवारजनों को न्याय मिला, जिससे उनके जीवन में एक नया उजियारा आएगा। 1991 के बाद यह मिल विभिन्न कारणों से बंद हो गई तथा मिल मजदूरों को वेतन न चुकाने के कारण यह प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में चल रहा था, लेकिन प्रदेश की संवेदनशील सरकार द्वारा मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रख निर्णय लिया गया, जिसमें मिल की भूमि को शहर के विकास में उपयोग कर दशकों से निराशा के अंधकार में संघर्षरत मजदूरों को लगभग 224 करोड़ रुपए की राशि का हित लाभ दिया जाएगा। इससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इसके साथ ही मिल की भूमि पर नवीन परियोजना के तहत निवेश व औद्योगिक विकास के नवीन द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रमिकों के स्वत्वों की स्वीकृत राशि 217 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक ऑफिशियल लिक्विडेटर एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आदर के साथ सौंप रहे हैं।